ফ্রেন্ডস, আজিকালি করোনা ভাইরাস কিমান ডেঞ্জার হয়েছে এইটো আমি সবে জানো, কাকো কব নালাগে। ইয়ার কারণে আমার গভর্নমেন্টে বহুত নতুন নতুন স্টেপ লৈ আছে টু কন্ট্রোল দ্য করোনা ভাইরাস। এতিয়া রিসেন্টলি আমার গভর্নমেন্টে এটা নিউ অ্যাপ লঞ্চ করেছে, তার নামটো হল আরোগ্য সেতু। এইটো একচুয়ালি করোনা ট্রেকিং অ্যাপ হয়। এই এপ্লিকেশনটো আপোনাক গাইড করিব যে আপনার আপনার গাত করোনা ভাইরাস আছে নেকি, বা আপনার ওচরে পিছরে কোনোবা করোনা পেশেন্ট আছে নেকি। আপনি যেতিয়া রাস্তাত ওলাই যাব বা ভিড় ভাড় এলাকাত যাব, তেতিয়া এই এপটো আপনি অলওয়েজ অন রাখিব। তেতিয়া সি আপনাক নোটিফিকেশন কৰি থাকিব যদি আপনার ওচরে পিছরে কোনোবা করোনা পেশেন্ট আছে। আৰু আপনি এই এই ভিডিওটো চাক ফর মোর ডিটেলস, আপনি ইয়াত বেশি ডিটেলসত কোৱা আছে। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आपके आसपास कितने लोगों को कोरोना है? क्या आप ये बात जानते हैं कि आपकी कॉलोनी के अंदर, आपके इलाके में, आपकी सिटी के अंदर कितने लोग कोरोना से संक्रमित हैं? वेल, अगर आपको नहीं पता तो अब आपको पता चल सकता है। भारत सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, आरोग्य सेतु। इस ऐप के जरिए भारत सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिश कर रही है। इस ऐप के जरिए भारत सरकार उन लोगों की मूवमेंट पर नजर रख पाएगी जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और जो होम क्वारंटीन पर हैं। तो आइए देखते हैं कि ये आरोग्य सेतु ऐप कैसा है, इसे कैसे डाउनलोड करना है और इस ऐप के अंदर क्या क्या है। भारत सरकार ने गुरुवार को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए लोग अपने आसपास कोरोना के मरीजों के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस ऐप के जरिए कोरोना संक्रमित लोगों और होम क्वारंटीन पर रखे गए लोगों पर नजर रखी जा रही है। ये ऐप लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। जिस व्यक्ति के फोन में ये ऐप होगा वो दूसरों के संपर्क में कितना रहे हैं ये पता लगाने के लिए ब्लूटूथ तकनीक, एल्गोरिथम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपके फोन में ये ऐप इंस्टॉल है तो ये आपके आसपास के उन लोगों को भी खोज लेगा जो आपके आसपास रहते हैं और उनके फोन में भी ये ऐप है। ये ऐप बताएगा कि आपके आसपास रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना वायरस से संक्रमित है तो आपको कितना खतरा है, और जीपीएस लोकेशन की मदद से वो ये भी पता लगाएगा कि आप कब उनके संपर्क में आए हैं। ऐप की मदद से सरकार आइसोलेशन और वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम भी वक्त रहते उठा पाएगी। ये ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है। ऐप में मौजूद आपकी निजी जानकारी और डेटा का इस्तेमाल भारत सरकार करेगी ताकि कोरोना से संबंधित डेटाबेस तैयार किया जा सके और वायरस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सभी जानकारी क्लाउड में अपलोड की जाएगी और इसके जरिए आपको लगातार कोरोना वायरस से संबंधित सूचनाएं भी दी जाएंगी। मोबाइल नंबर पर सरकार की ओर से मैसेज और दूसरे माध्यमों से इस ऐप के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। किसी भी तरह की जानकारी का इस्तेमाल कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के अलावा किसी अन्य वजह से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ये ऐप लोड कर लिया है अपने फोन पर। जब मैं इस ऐप को खोलती हूँ तो सबसे पहला पेज आता है ये। इस ऐप के लिए आपको अपना ब्लूटूथ हर वक्त ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अलग टेक्नोलॉजी के जरिए ही भारत सरकार अपना डेटाबेस अपडेट करके रखेगी, उनको सारी मूवमेंट्स का पता चलता रहेगा। इस ऐप पर COVID-19 हेल्प सेंटर्स के नंबर भी दिए गए हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग नंबर हैं। आप जिस भी राज्य में हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहां पर कॉल करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी पड़ोसी को या किसी जानकार को या आपको ये संक्रमण हो रहा है या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप किस हेल्प सेंटर पर कॉल कर सकते हैं उसकी सारी डिटेल्स इस ऐप पर दी गई है। इसके अलावा इस ऐप पर ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी है। मैं इस सेल्फ असेसमेंट टेस्ट को जब क्लिक करती हूँ तो बड़े सारे सवाल लिखे आते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से सवाल है। सबसे पहला सवाल वो ये पूछते हैं कि आपका जेंडर क्या है, फीमेल। आपकी एज क्या है, आप अपनी एज टाइप कीजिए। नेक्स्ट, क्या आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई दे रहा है, जैसे खांसी, फीवर, सांस लेने में तकलीफ या इनमें से कुछ भी नहीं। मुझे इसमें से कोई भी सिम्टम नहीं दिख रहा है अपने अंदर, तो इसलिए मैं करूंगी नन ऑफ द अबव। अब अगला सवाल, क्या मुझे कभी भी इनमें से कोई तकलीफ रही है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लंग की डिजीज या हार्ट की डिजीज, या इसमें से कोई भी नहीं। वेल, मुझे इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं करूंगी नन ऑफ द अबव। अगला सवाल, क्या मैं पिछले 14 दिनों में इंटरनेशनली ट्रैवल करी हूँ। जी नहीं, मैं नहीं करी हूँ,
तो मैं कर दूंगी नो। क्या आपने किसी ऐसे इंसान से बात करी है या आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर किसी को भी COVID-19 पॉजिटिव पाया गया हो? ऐसा नहीं है। क्या आप एक हेल्थ केयर वर्कर हैं या आप किसी ऐसे इंसान का ध्यान रख रहे हैं जो COVID-19 पॉजिटिव है? मैं इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करूंगी, तो मैं करूंगी none of the above। इसके बाद ये आपको एक मैसेज भेजता है जिसमें ये पता चलता है कि आपका इन्फेक्शन रिस्क कितना है। मेरे में लिखा गया है कि योर इन्फेक्शन रिस्क इज लो, बट वी रिकमेंड दैट यू स्टे एट होम टू अवॉइड एनी चांस ऑफ एक्सपोजर टू नोवल कोरोना वायरस। रीटेक द सेल्फ असेसमेंट टेस्ट इफ यू डेवलप सिम्टम्स और कम इन कॉन्टेक्ट विद COVID-19 कन्फर्म्ड पेशेंट्स। मतलब कुछ दिन बाद इन्होंने बोला है, ये ऐप कहता है कि आप ये टेस्ट दोबारा लीजिए अगर आपको कफ, फीवर या सांस लेने में तकलीफ, ऐसा कोई भी सिम्टम दिखने लग जाता है या आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आते हैं जिसको कोरोना वायरस हो रखा हो और ये कन्फर्म्ड हो। तो ये ऐप एक बहुत ही अच्छी पहल है भारत सरकार द्वारा एक डेटाबेस बनाने के लिए, एक पकड़ रखने के लिए कोरोना वायरस पर और एक मूवमेंट ट्रैक करने पर, ताकि ये पता चल सके कि हमारे आसपास कितने लोग हैं जिनको कोरोना वायरस है या क्या हम उनसे संपर्क में आए हैं। और भी बड़ी सारी चीजें हैं इस ऐप में। तो जैसे आप देख सकते हैं, आरोग्य सेतु ऐप मैंने लोड कर लिया है। क्या आपने इस ऐप को लोड करा है? वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं, एंड गाइस स्टे सेफ। फ्रेंड्स, जिमान पारे ए भिडिओटो शेयर करिबो। আমি এই গভর্নমেন্টের এই ইনিশিয়েটিভ আমিও সাপোর্ট করিব লাগে। যিমান পারে সবে এপটো ইনস্টল করিব লাগে, তেতিয়াহে আমি করোনা ভাইরাসক কন্ট্রোল করিব পারিম। আর এইটো এপেরে যেতিয়া আপনি এইটো এপটো ইনস্টল করিব, তেতিয়া আমার যিমান মুভমেন্ট আছে সব মুভমেন্টটো গভর্নমেন্টে ট্র্যাক করে পারিব। এই এপের এই এপটো দেখিনি গভর্নমেন্টে সব আমার মুভমেন্টটো ট্র্যাক করে পারিব। সো এইটো এপটো সবে ইনস্টল করিব লাগে আর সবার মোবাইল থাকিব লাগে, তেতিয়াহে আমি করোনা ভাইরাসৰ পৰা বহুত জলদি মুক্তি পাম। সো ফ্রেন্ডস, যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।